तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 8.4 का 1, 2, 3 और चौथा प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम लोग इसके पांचवें प्रश्न को, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो इसका पांचवा प्रश्न है ये वाला हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जो पांचवा प्रश्न है उसमें 10 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 ठो क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग 10 ठो क्वेश्चन को एक एक वीडियो में बहुत अच्छे से डीपली समझने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे जो कि सीधे बोर्ड्स एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में लोग ये वाला प्रश्न को करेंगे, पहले वाले को। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा करना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आपको मैं एक ही वीडियो में 4-5 क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। अगर मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन कराऊं, उसे आप अच्छे से समझें, उसके बाद उसको आप खुद से सोल्व किए, जब समझ गए पहला क्वेश्चन, तब तो आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, तो वैसे आपको सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे पाँचवा प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है, बस आप ये समझ लीजिए कि इधर बराबर के इधर वाले को और इधर वाले को, दोनों को हमें सिद्ध करके बराबर दर्शाना है कि ये इसके बराबर में है। ठीक है, इसी प्रकार सारे नीचे जितने भी दिए हुए हैं, ये 10 तक सारे सारे के सारे मुझे सिद्ध करके दिखलाने हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cosec θ - cot θ का होल स्क्वायर बराबर है 1 - cos θ / 1 + कॉस थीटा। हमें क्या करना है, या तो इसे लेंगे तो इसके बराबर में प्रूव कर देंगे, और इसे लेंगे तो इसके बराबर में प्रूव कर देंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग इसे लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, LH, इसमें हम लोग लिख देंगे LHS में। ये वाला LHS होता है, ये वाला होता है RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो LHS मेरा क्या है, पहले हम उसको लिख लेंगे। तो है मेरा cosec θ - cot θ का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 / sin θ। फॉर्मूला आपको शायद याद ही होंगे। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग cos θ / sin θ। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों का लसा ले लेंगे। लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin θ। अब साइन से साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - sin θ की जगह cos θ। इसका भी उसी प्रकार होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप तो अब इससे हम लोग अलग लिखते हैं। देखिएगा 1 - cos θ, इसका तो स्क्वायर अलग हो गया, और इसको हम लोग स्क्वायर देंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में, तो हो जाएगा sin²θ। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 1 - cos θ से हम लोग वैसे ही भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको वैसे को वैसे मैंने लिख दिया, और बटे में क्या है, तो sin²θ को क्या लिख सकते हैं हम लोग देखेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा था, यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, 1 है। अगर cos²a को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में, तो 1 - cos²a बराबर हो जाएगा sin a, यानी कि sin a के बराबर होता है 1 - cos²a। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²θ, चूँकि यहाँ पे थीटा, इसलिए थीटा देंगे हम लोग। तो आपको मैं अभी कई बार से बताते आ रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा, देखिएगा इसको जब देखिएगा तो ये आपका किस रूप में हो गया, ये आपका हो गया a - b का होल स्क्वायर के रूप में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, a - b * a - b, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो है क्या है, देखिएगा ये जो a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर है, किसका है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, इसके बराबर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a - b * a + b, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होता है, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, a - b का होल स्क्वायर है। इसे समझना है आपको। ठीक है, अब हम लोग यही करेंगे, आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो 1 - cos θ को इसी प्रकार लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 - cos θ। ठीक है, और फिर लिखेंगे 1 - cos θ, बट्टा दिया, ये क्या है, इसको कैसे लिख देंगे, वह एक बार a - b, एक बार a + b, यानी कि 1 - cos θ
और वन माइनस वन प्लस कॉस थीटा। अब ये देखिएगा ये कट जाएंगे, बराबर क्या बचे, तो बचे मुझे वन माइनस कॉस थीटा बटे में वन प्लस कॉस थीटा, जो कि प्यारे बच्चों मुझे यही दर्शाना था, यही मुझे सिद्ध करना था। देखिए ये क्या है, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा है, मैंने यहाँ पे वही ला दिया, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। ओके, तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।